أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students of 12th class, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہمارا آج کا موضوع ہے That's our today's topic Veto powers United Nations Security Council کا veto power پانچ مستقل ممبران کو حاصل ہے उनमें चीन फ्रांस रूस बर्तानिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इन पांच ममालिक को जो मुस्तकबिल मेंबरान भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहलाते हैं को वीटो हासिल है ये बुनियादी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबरान हैं उनमें से पांच मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल मेंबरान हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स 5 ऑफ देम आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरान को जनरल असेंबली 2 सालों की खातिर मुंतखब कर लेती है डियर स्टूडेंट्स वीटो ताकत का आगाज अक्वामे मुत्तहदा के चार्टर के आर्टिकल 27 में होता है कोई भी फैसला लेने की खातिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है हर एक मेंबर मुल्क को एक वोट का हक हासिल है मुस्तकिल मेंबर को किसी भी इशू को नहीं वीटो या इनकार करने का हक हासिल है जिसे वीटो कहते हैं गो कि मुस्तकिल मेंबरान में से कोई भी मेंबर किसी इशू को वीटो कर सकता है ना कर सकता है इनकार कर सकता है किसी भी अहम फैसला की खातिर 9 वोट 15 मेंबरान में से मतलूब होते हैं उनमें मुस्तकिल मेंबरान के तमाम 5 वोट जरूरी हैं मुस्तकिल मेंबरान में से अगर एक भी मेंबर रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट डालेगा उस सूरत में फैसला नहीं लिया जा सकता है फैसला रुक जाएगा इस तर्ज अमल को वीटो नहीं कहा जाता है गो कि कोई भी फैसला लेने की खातिर या रेजोल्यूशन पास करने की खातिर तमाम 5 मुस्तकिल मेंबरान का वोट लाजमी है वीटो टर्म को लैटिन वर्ड लातीनी लफ्ज से हासिल किया गया है उसका माना है मैं कहता हूं नहीं टर्म वीटो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स आई से नो वीटो मेंबरान का इज्तनाब या पीछे रहना या गैर हाजिरी मुसवदे को अमल में लाने से नहीं रोक सकता किसी भी मुस्तकिल मेंबर की जानिब से मनफी वोट या खिलाफ वोट उस मसवदे को अमल में आने से रोक लेता है गो कि अगर मुस्तकिल मेंबरान में से किसी ने भी ड्राफ्ट के खिलाफ वोट दिया उस सूरत में वो ड्राफ्ट नहीं अमलाई जा सकती है इसे अजीम ताकत के मुतफिका असूल या अजीम ताकत वीटो के तौर पर भी जाना जाता है इट्स आल्सो रेफर्ड टू एज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट पावर यूनानिमिटी एंड ग्रेट पावर वीटो डियर स्टूडेंट्स वीटो 5 मुस्तकिल मेंबरान का खसूसी इख्तियार है इस इख्तियार के जरिए से वो सिक्योरिटी काउंसिल के फैसला जात पर पूरी तरह असर अंदाज होते हैं बल्कि फैसला जात पर उनकी राय हावी रहती है वीटो पावर को खत्म करने की तजावीज थी दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक की राय के मुताबिक ये बेइंसाफी पर मुजमिर है लेकिन यह भी तसव्वुर किया जाता है कि वीटो को खत्म करने की सूरत में ये बड़े 5 ममालिक बिग 5 दिलचस्पी खो देंगे इस तरह
यूनाइटेड नेशंस की कामकाज मुतासिर हो सकती है, बिलखसूस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। पांच मुस्तकिल मेंबरान की एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट के बगैर यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बेअसर तंजीम साबित हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वीटो पावर के हवाले से हमने ये इंफॉर्मेशन शेयर की। इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स। वेट एंड वॉच। अस्सलामु अलैकुम।